हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको प्लांट की शॉपिंग दिखाने वाली हूँ। जैसे कि अब रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, जून का मंथ लास्ट चल रहा है, तो ये टाइम बहुत ही बेस्ट है आपको किसी भी तरह के परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट लगाने के लिए। तो देखिए, मैंने ये ट्रम्पेट वाइन, टिकोमा भी जिसे बोलते हैं, और ये इसका कलर देखिए बहुत ही यूनिक है। ऑरेंज वाली जो ट्रम्पेट वाइन होती है वो बहुत ही कॉमन होती है, और मेरे पास एक पर्पल वाली है जिस पे ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है, और अनदर मुझे ये अलग येलो कलर दिखा इस तरह से, बीच में मरून और पेटल्स इसके येलो हैं इस तरह का। तो ये भी बहुत यूनिक सा है, और ये करीब 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और इसे अभी रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी इसमें ग्रोथ करेगा, काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई हुई है। और ये प्लांट मुझे मिला है 120 रुपीज़ का, क्योंकि ये पॉट के साथ है तो मुझे ये वर्थ इट लगा। और अनदर देखिए, ये अलमांडा येलो वाला बुश वैरायटी का है। मेरे पास अलमांडा का वाइन वैरायटी है और उस पर मेरा वीडियो भी है वाइन वाले पे, तो इसकी भी केयर लगभग वैसी ही होती है जैसे अलमांडा वाइन की होती है वैसे ही। तो और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्लांट था, इसलिए मैंने 2 प्लांट इसके लिए हैं अलमांडा बुश के। और इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं बिल्कुल ट्रम्पेट शेप के, जैसे कि हमारा अलमांडा वाइन में आते हैं। तो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी अलमांडा वाइन वाली, तो आप देख लीजिएगा, उसी तरह के फ्लावर इसमें भी आते हैं, बस ये बुश वैरायटी है और इसे थोड़ा बड़े पॉट में ही लगाना चाहिए। और अनदर ये देखिए, कोफिया का प्लांट है। मैं इसे पहले वाली शॉपिंग वीडियो जो बनाई थी उसमें भी मैंने ये प्लांट लिया था, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी में मेरा प्लांट वो वाला सर्वाइव नहीं कर सका, तो मैंने एक अनदर ले लिया। देखिए ये बहुत ही अच्छा, मतलब बुशी सा प्लांट होता है, इसे ग्राउंड कवर में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए थोड़ा मतलब शैलो पॉट में आप लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा फैल के अच्छे से होता है, और इसमें फ्लावरिंग ऑन एंड ऑफ ऐसे हमेशा ही होती रहती है, एवरग्रीन होता है। तो ये है था कूफिया का प्लांट, ये मुझे मिला है 40 रुपीज़ का, और ये अलमांडा मुझे 70 रुपीज़ के मिले थे इससे पहले मैंने जो 2 अलमांडा के प्लांट दिखाए। और ये 2 देखिए, ये गोमफ्रेना है, ये बेबी पिंक कलर का है, हालांकि ये हेल्दी तो नहीं लग रहा था उतना, लेकिन ये नर्सरी वाले ने मुझे सिर्फ 10 रुपीज़ के दे दिए तो मैंने ये भी ले लिया। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो फ्लावर हैं इसके, तो इसके फ्लावर जो ड्राई हो जाते हैं ना, इसमें इनके सीड्स बनते हैं, तो आप इसके फ्लावर को तोड़ के बस इस तरह से, ये देखिए इसमें इस तरह से सीड्स बनते हैं, इन्हें आप अभी भी आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं, इन सीड्स को आप डाल दीजिए, क्योंकि रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो बहुत ही अच्छे से इसके नए नए प्लांट्स निकल आएंगे। और इस प्लांट को भी मैं लगा दूंगी, देखिए बेबी पिंक कलर का है ये, हालांकि ये समर सीज़न का प्लांट है, लेकिन इसके सीड्स गिरते रहते हैं, और ये अपने आप, एक बार आप ले आए गार्डन में तो अपने आप ये होता रहता है बार बार, तो आपको बार बार लाने की ज़रूरत नहीं। इसका जो मजेंटा कलर होता है वो कॉमन होता है। और ये देखिए, ये रोज़ का प्लांट काफ़ी हेल्दी लग रहा था तो एक मैं ये भी ले आई, और ये देसी रोज़ नहीं है, ये प्लांट वाले भैया ने बोला कि ये भी मतलब समर्स में बहुत अच्छा ब्लूम करता है और काफ़ी अच्छा लग रहा था इसका कलर, तो मैंने ये भी ले लिया। ये वाला प्लांट मुझे 50 रुपीज़ का मिला है, और काफ़ी बड़े से पॉलीबैग में लगा हुआ है, और सब लोकल सॉइल में लगा हुआ है, कोई चिकनी मिट्टी वैसा रेड सॉइल में नहीं है ये वाला प्लांट। और अनदर देखिए, मैंने ये पाम, फैन पाम जो होता है, तो अभी ये टाइम पे पाम वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे क्योंकि रेनी सीज़न में इनको मॉइस्चर बहुत पसंद होता है, तो आप इस टाइम पे किसी भी तरह का पाम हो या क्रोटन हो, जितने भी इंडोर प्लांट हैं ऑलमोस्ट सभी को रेनी सीज़न और ह्यूमिड इन्वायरमेंट पसंद होता है, तो आप इस टाइम पे बहुत ही अच्छा टाइम है, इस टाइम पे आप की जो विश लिस्ट में जो भी प्लांट है आप इस टाइम पे ला के लगा लीजिए। और ये ऑलमोस्ट सभी मैंने जो प्लांट किए हैं वो परमानेंट प्लांट हैं, हाँ विंटर्स में थोड़ा बहुत डोमेंसी में जाते हैं लेकिन रहते हैं आपके पास हमेशा हैं, इस तरह के ही प्लांट हैं। और ये देखिए, मुझे एक ये वाला फर्न मिल गया, बोस्टन फर्न मेरे पास है, एस्परगस फर्न, फर्न पे भी मेरा एक वीडियो है मेरे पास जो फर्न है उसकी केयर पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और ये वाला देखिए, इसके लीव्स थोड़ा कर्ली है, तो ये इस तरह का ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो 2 फर्न के प्लांट मैंने ले लिए हैं,
देखिए ये आप इसकी लीफ मैं दिखा रही हूँ, तो ये बोस्टन फर्न से अलग है इसकी लीफ। और फर्न की केयर सबकी एक ही होती है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्न को ह्यूमिड एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और आप इसे रेनी सीजन बेस्ट होता है फर्न लगाने के लिए। अगर आप अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप फर्न ज़रूर लगाइए। और इसे डिवाइड करके, रूट से डिवाइड किया जाता है, तो लगाते टाइम अगर मैं डिवाइड कर सकी तो करके ही लगाऊंगी। और फर्न मुझे 50-50 रुपीज़ के ईच मिले हैं। देखिए अनदर प्लांट ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इसमें बड भी है। ये इसे नर्सरी वाले भैया ने बोला कि ये भिंडी गुड़हल है, तो मतलब ये देखने में जैसे ओकरा का प्लांट होता है उस तरह का है। तो लेकिन ये मैंने सर्च किया तो ये लूना हिबिस्कस जिसे बोलते हैं, समर्स में ये ग्रो होते हैं। इसका फ्लावर वहाँ पे खिला हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्रिटी और बड़े साइज़ का फ्लावर था। देखिए इसमें बर्ड्स भी आई हुई हैं। तो दो प्लांट मैंने ये लिए, ये मुझे 80 रुपीज़ ईच मिले हैं। ये देखिए बर्ड्स, तो इसकी केयर बिल्कुल हिबिस्कस की तरह करनी है। और इसमें सीड्स भी बनते हैं, आप इसे बाद में भी मतलब सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट भी मैंने दो ले लिए हैं। तो इस तरह से देखिए एक बड़ा है और एक छोटा, और बर्ड्स भी हैं इसमें, तो ये भी बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि मेरे पास वो जो थल कमल जिसे बोलते हैं वो वाला ही हिबिस्कस है, ये काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसके फ्लावर डिफरेंट है उससे, थल कमल जो होता है उससे डिफरेंट है। और ये देखिए ये मुझे देखिए ये वाइन है, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए तो फ्रेंड्स ये है मैंडेविले वाइन। मैंडेविले प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, देखिए इसके फ्लावर देखिए आप। और ये कई दिनों का खिला हुआ फ्लावर है, वरना ये बहुत ही प्यारा होता है इसका प्लांट, इसके फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं। और ये जल्दी से मुझे यहाँ पे नर्सरीज में नहीं मिलता था, मगर लेकिन मुझे मिल गया, तो मैंने दो प्लांट इसके भी ले लिए हैं। और ये वाला प्लांट मुझे 100 रुपीज़ ईच मिला है, और तो भी मुझे ये इसका रेट सही लग रहा है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा है मैंडेविले के प्लांट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। और देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, और इस तरह छोटे से 4 इंच वाले पॉट में लगा हुआ है। तो एक बेबी पिंक कलर है, और ये वाला भैया ने वाइट कलर बोल के दिया है, तो मैंने दो प्लांट इसके भी ले लिए हैं। और रेनी सीजन में इसकी जो है, और मैंडेविले का प्लांट जो है रेनी सीजन में इसकी जो नोड एरिया है वहाँ से रूटिंग होती है, और उसे उससे नए प्लांट्स भी बनाए जा सकते हैं, कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ अब ज़्यादा गर्मियाँ तो जा चुकी हैं, अब क्योंकि मानसून आ चुका है, तो मैंने इसे भी ऐड कर लिया है। इसमें भी इसी केयर पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, और इन सबको जब रिपोर्ट करूंगी तो मैं कोशिश करूंगी जितने के भी मैं वीडियो बना सकूँ सकी तो ज़रूर दूंगी। और अभी तक तो गार्डन में कुछ खास दिखाने के लिए था नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही थी, हमारे यहाँ 47-45 टेम्परेचर जा रहा था, तो इसलिए काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। ओके फ्रेंड्स, बाय।